दोस्तों आज की इस वीडियो में HP स्मार्ट टैंक 525 ऑल इन वन इंक टैंक कलर प्रिंटर के बारे में बात करेंगे। इस प्रिंटर का अनबॉक्सिंग करेंगे और साथ ही साथ इसके फुल स्पेसिफिकेशन के बारे में भी समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ये प्रिंटर उन लोगों के लिए ज़्यादा बेहतर हो सकता है जो लोग घर पे कोई अपना काम कर रहे हैं, उसके लिए कुछ प्रिंट आउट निकालना होता है तो उसके लिए भी ठीक रहेगा, या फिर यदि आप स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट पर्पज़ में कोई प्रोजेक्ट वर्क कर रहे हैं या कोई ऐसी फाइल प्रिंट करनी है तो उन लोगों के लिए भी सही रहेगा। जो लोग नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे बिलिंग वगैरह करना है या फिर छोटा मोटा जनसेवा ओपन कर रहे हैं, तो जनसेवा के लिए कॉपी करना या फिर कलर में प्रिंट करना या फोटो प्रिंट करना, चाहे वो पासपोर्ट साइज़ हो या A4 साइज़ के पेपर पर, तो किसी तरह का भी फोटो इस प्रिंटर से प्रिंट कर सकते हैं या फिर डॉक्यूमेंट भी, किसी प्रकार का डॉक्यूमेंट हो वो भी इसे प्रिंट कर सकते हैं। तो चलिए अनबॉक्सिंग करते हैं और जानते हैं कि इसके अंदर क्या क्या मिलेगा। प्रिंटर के साथ साथ एक गाइड मेन्यू मिलेगा और इसके साथ एक बॉक्स मिला है। इस बॉक्स में देख लेते हैं कि क्या क्या है। तो इसमें 4 कलर इंक बॉटल मिलेंगे, जो कि ब्लैक वाला बॉटल है, GT 53 XL है, इसमें 53 भी आता है जो कि थोड़ा सा इससे छोटा होता है, और ये 135 ml का है। उसके बाद ये बाकी जो 3 कलर हैं, सियान, मेजेंटा और येलो, ये तीनों इंक बॉटल 50-50 ml के मिलेंगे। लेकिन अभी तक के जितने प्रिंटर आए हैं उनमें सब में 70 ml के इंक आते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों इसमें बस 85 ml का मिला हुआ है। उसके साथ एक पावर केबल मिलेगा और एक डेटा केबल मिलेगा, और इसमें भी एक गाइड मेन्यू मिला हुआ है, और साथ ही इसमें 2 इसका हेड मिलेगा, एक ब्लैक हेड मिलेगा और एक कलर हेड मिलेगा। अब प्रिंटर की तरफ चलते हैं। यहाँ पे इंक टैंक दिया हुआ है और यहाँ पे जो ये बाहर निकला हुआ है, इससे ये पता चल जाएगा कि इंक लेवल कितना है, उसके अकॉर्डिंग हम फिर दोबारा इंक रिफिल कर सकते हैं। और यहाँ पे आउटपुट ट्रे है, जब भी पेपर प्रिंट आउट होकर निकलेगा तो यहाँ से निकलेगा, और यहाँ पे पीछे के साइड यहाँ पे पेपर इंपुट कर सकते हैं, यहाँ पे मैक्सिमम A4 साइज़ के पेपर को इंपुट कर सकते हैं। यहाँ पे एक छोटी सी LCD डिस्प्ले मिलेगा और यहाँ पे 5 बटन मिलेंगे और एक पावर बटन मिलेगा, और यहाँ पे एक ब्लैक एंड वाइट के लिए कॉपी बटन दिया हुआ है, एक कलर के दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे एक स्कैनर मिला हुआ है। उसके बाद अब बात आती है कि इंक को कहाँ से रिफ़िल करेंगे। तो रिफ़िल करने के लिए ये वाला जो हिस्सा है, पहले हम इसे अंदर कर देंगे, ये वाला हिस्सा आगे की तरफ खींचेंगे, उसके बाद यहाँ पे टैंक आपको दिख जाएगा। इस टैंक में आप आसानी से इंक रिफ़िल कर सकते हैं, और साथ ही साथ यहाँ पे कलर कोडिंग के साथ दिया हुआ है कि किस टैंक में कौन सा कलर पड़ेगा, तो इसके अकॉर्डिंग आप इस इंक टैंक में कलर रिफ़िल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे नीचे के साइड यहाँ पे ये जो 2 हेड मिले हुए हैं, इन दोनों हेड को यहाँ पे लगाना होगा। तो लगाने के बाद ही हम इस प्रिंटर को चालू कर पाएंगे। तो यहाँ पे एक सेफ्टी के लिए यहाँ पे गत्ता दिया हुआ है, इसे निकाल लेंगे। निकालने के बाद दोस्तों हेड को लगाने के लिए पहले ये जो सेफ्टी के लिए ऑरेंज कलर का जो प्लास्टिक दिया हुआ है, इसे निकाल लेंगे। निकालने के बाद ही हम हेड को लगाएंगे, और साथ ही साथ हेड को लगाने के लिए यहाँ पे कोडिंग भी दिया हुआ है कि किस साइड कलर लगेगा और किस साइड ब्लैक लगेगा, तो इसके अकॉर्डिंग इसमें हम हेड लगा लेंगे। हेड को लगाने के बाद इस ट्रे को यहाँ से बंद कर देंगे। पीछे साइड देखा जाए तो यहाँ पे 2 ऑप्शन मिलेंगे, एक पावर केबल के लिए और एक डेटा केबल को कनेक्ट करने के लिए। अब चलिए इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में समझते हैं कि इसमें क्या क्या फीचर्स दिया हुआ है। इस प्रिंटर से प्रिंट, स्कैन और कॉपी कर सकते हैं, और इसे केवल USB के द्वारा कनेक्ट करके अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप से प्रिंट आउट दे सकते हैं। इसमें 4 इंक बॉटल लगेगा, जैसे कि हमने अभी दिखाया है। एक ब्लैक इंक बॉटल जिसका मॉडल नंबर GT 53 XL है, और ये 135 ml का मिलेगा। इसे अगर प्रिंट आउट देते हैं तो मैक्सिमम 6000 पेज तक प्रिंट आउट दे पाएंगे, और बाकी जो 3 कलर हैं, येलो, मेजेंटा, सियान, ये 50-50 ml के मिलेंगे, और इनका मॉडल नंबर GT 52 है, और इन तीनों इंक बॉटल से मैक्सिमम 6000 पेज प्रिंट आउट दे पाएंगे। अब बात करते हैं इसके प्रिंटिंग स्पीड की। तो यदि आप ब्लैक एंड व्हाइट में प्रिंट करते हैं तो 12 पेज पर मिनट की स्पीड आएगी,
वहीं पे अगर कलर पेज प्रिंट करते हैं तो 5 पेज पर मिनट की स्पीड आएगी। इस प्रिंटर का प्रिंटिंग रिजोल्यूशन बहुत ही अच्छा मिलता है जो कि 4800x1200 DPI का मिलेगा, जिससे कि डॉक्यूमेंट बहुत ही अच्छे क्वालिटी में प्रिंट आउट दे सकते हैं, साथ ही साथ A4 साइज के पेपर पे बॉर्डरलेस फोटो प्रिंट आउट दे सकते हैं। ये प्रिंटर मैक्सिमम A4 साइज के पेपर को सपोर्ट करता है, चाहे वो डॉक्यूमेंट हो या फोटो पेपर आप यूज करते हैं। उससे नीचे जितने भी पेपर आते हैं जैसे लेटर साइज या फिर 5-7 या 4-6 पेपर, ये सारे पेपर इस ये प्रिंटर सपोर्ट करेगा। दोस्तों यह प्रिंटर बहुत ही कम पावर कंज्यूम करता है, यानी कि मैक्सिमम 10 वाट का पावर कंज्यूम करता है जो कि बहुत ही कम पावर लेता है। ये सभी विंडो को सपोर्ट करता है, चाहे वो विंडो 7 हो, 8 हो या 10 हो या फिर 11 हो, इन सभी को ये सपोर्ट करता है। इसकी वारंटी 1 ईयर की ऑन साइट आती है या फिर 30,000 पेज आप प्रिंट कर पाएं। अब बात करते हैं इसके प्राइस की, तो ये प्रिंटर मैक्सिमम 11,000 से 12,000 के बीच में मिल जाएगा। इस प्रिंटर का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये प्रिंटर उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा बेहतर हो सकता है जो लोग जनसेवा केंद्र चलाते हैं, उनके लिए भी ये प्रिंटर बहुत अच्छा हो सकता है, या फिर आप घरेलू पर्पस से या कोई बिजनेस पर्पस से बिलिंग वगैरह के लिए लेना चाहते हैं तो उन लोगों के लिए भी ये प्रिंटर बहुत ही बेहतर हो सकता है, या फिर स्मॉल ऑफिस के लिए लेना चाहते हैं तो ये भी प्रिंटर आपके लिए बहुत ही बेहतर हो सकता है। तो दोस्तों इस प्रिंटर का फुल इंस्टॉलेशन अगले वीडियो में बताएंगे, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।